बाल हो गई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ये हमारा इनॉमिस ब्लॉग था, यहाँ से हमने इसको गेट किया और गेट करने के बाद हम इसको अपने इस फोर्ड में लेकर आए। एक वेरिएबल हमारे पास EMPNO का था, अब EMPNO या तो आप नल देंगे और अगर वैलिड वैल्यू देते हैं तो या तो वो डुप्लीकेट हो सकती है या फिर यूनिक नंबर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इनेम आ गया, इनेम के बाद जॉब आ गया, जॉब के बाद V_Sale आ गया, V_Sale के बाद डिपार्टमेंट नंबर आ गया, ओके जी। उसके बाद एक हमने एडिशनल वेरिएबल लिया था न्यू ID, ठीक। क्यों लिया था? क्योंकि बिगिन में आते ही हमने एक प्रोसीजर कॉल किया new_ID1। ये प्रोसीजर क्या कर रहा था कि EMP टेबल से एक नंबर जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर रहा था, इसका मेन टास्क ये था। तो हमने आते ही पहले एक नंबर गेट कर लिया, वो नंबर कहाँ पे स्टोर हो गया? हमारे वेरिएबल new_ID में, क्योंकि ये जो प्रोसीजर हमने कॉल किया वो प्रोसीजर का पैरामीटर आउट मोड का था, वो नंबर जनरेट करके आपको आउट प्रोवाइड कर देता है। वहाँ लिखना था हमने, यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, जो आपने न्यू ID प्रोसीजर बनाया था वहाँ आपको इन आउट लिखना पड़ेगा, इन ऑप्शनल है, आउट मस्ट है। इसके बाद हमने एक और प्रोसीजर लिया add_EMP_record, रिकॉर्ड को क्रिएट करेगा इन केस ऑफ EMPNO इज नल रिप्लेस बाय new ID। अगर आपने नल वैल्यू पास कर दी EMPNO के लिए तो उसको रिप्लेस किससे करेगा? new ID से रिप्लेस कर देगा, ठीक। जो प्रोसीजर से आउट होकर आई। एक्सेप्शन, अगर आपने नंबर दिया और डुप्लीकेट दे दिया तो एक्सेप्शन रेज होगा, अगेन फिर वही काम करे add_EMP_record, दोबारा कॉल करे और अब सिर्फ और सिर्फ new ID से ही इसको जनरेट करना है, क्योंकि पहले तो पॉसिबिलिटी थी कि शायद नल हो, तो यहाँ पे तो कंट्रोल उसी सूरत में आएगा जब वैल्यू भी होगी और डुप्लीकेट होगी, लिहाजा new ID से ही जनरेट करें। अच्छा, एक काम और करते हैं, अब तक हमने क्या किया था, इसको इनॉमिस ब्लॉक में बनाया था, अब इसको भी प्रोसीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से हमने हटाया डिक्लेयर और क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर new_EMP_record, ये हमारा प्रोसीजर नेम है। पैरामीटर देंगे तो पैरामीटर के अंदर ये हमारे पास वेरिएबल ऑलरेडी मौजूद हैं, हमने कहा कि एक यहाँ से पैरामीटर ले लो आप V_EMPNO, डेटा टाइप कैसी होगी? EMP के EMPNO जैसी होगी, कॉमा M% इसमें नहीं चाहिए हमें क्योंकि पैरामीटर है। सेकंड कौन सा होगा? V_ENAME, कॉमा लगा कर सेकेंड पैरामीटर हमने दे दिया, कॉमा इसको भी हटा दें। थर्ड पैरामीटर V_Job, V_Job भी आ गया, कॉमा V_Sale, V_Sale भी आ गया, इसे भी हटाइए और V_Department_Number, ये हमारे पैरामीटर की लिस्ट है जो हमें चाहिए थी। इसको यहाँ से न्यू लाइन करते हैं, ये हमारे पैरामीटर की लिस्ट आ गई, जो वेरिएबल थे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है जी। new ID एज इट इज रहेगा क्योंकि ये पैरामीटर नहीं था, इसमें वैल्यू हमने यूजर से नहीं लेनी थी, ये तो नंबर जनरेट कर रहा था, ठीक है, बात क्लियर हो रही? कह रहे हैं प्रोसीजर क्रिएटेड विद कंपाइलेशन एरर, अब एरर अगर जनरेट हो गया तो एरर कैसे देखें?
एरर के लिए शो ई डबल आर, एरर पूरा नहीं लिखना आपको, कह रहा है एरर एनकाउंटर्ड द सिंबल न्यू अंडरस्कोर आईडी व्हेन एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, टर्मिनेटर नहीं दिया आपने, टर्मिनेटर तो खैर दिया है, इज रह गया सही, एक कीवर्ड मिसिंग था। तो एरर शो करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, शो एरर, ठीक है। एग्जीक्यूट न्यू अंडरस्कोर एएमपी अंडरस्कोर रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड से क्रिएट करें, मैंने कहा कि आप जो क्रिएट करो वो नंबर ले लो 8000, उसके बाद सेकंड कौन है वी अंडरस्कोर इनेम, तो इनेम के अंदर आप ले लो नेम अली, जॉब तो जॉब के अंदर सेल्समैन, जॉब के बाद सैलरी 1000 और सैलरी के बाद क्या है डिपार्टमेंट नंबर 30। आपको ये पैरामीटर जिस सीक्वेंस से रखे हुए हैं ना उसी सीक्वेंस के अंदर वैल्यू भी इंसर्ट करनी है, ठीक, बिल्कुल वही है जिस तरह आप इंसर्ट इनटू ईएमपी कर रहे थे। अगर आप वही कॉलम रखते हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं तो आपको सेम सीक्वेंस को फॉलो करना होगा जो ईएमपी टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक, उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का एक और मेथड है उसको भी हम देखते हैं। कह रहा है कि रिकॉर्ड क्रिएटेड विद 8001, मैंने तो 8000 दिया था लेकिन डुप्लीकेट था, कहाँ पे आया होगा, एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर, डुप्लीकेट ऑन इंडेक्स रेज हुआ, एक्सेप्शन रेज हुआ, रेज होने पे क्या किया उसने, पहले आईडी तो जनरेट करके रखी हुई है, आईडी को कैलकुलेट करे और यहां से एक रिकॉर्ड जनरेट कर दे। तो मैंने दिया था 8001, 8000 उसने क्रिएट कर दिया 8001 के साथ, साथ ही साथ अब हमारा जो इनॉमिस ब्लॉक था वो कन्वर्ट हो चुका प्रोसीजर में। एक मेन प्रोसीजर के अंदर मजीद फर्स्ट प्रोसीजर कॉल हो रहा है, सेकंड प्रोसीजर कॉल हो रहा है और सेकंड अगेन कॉल हो रहा है, ठीक, तो एक प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल प्रोसीजर्स को कॉल आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बल्कि ये एक अच्छा लेवल बन जाता है, क्योंकि आपके पास वो जो एड अंडरस्कोर ईएमपी का प्रोसीजर है वो आपने अभी यूज़ किया, आप चाहें तो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, प्लस किसी और को भी उसके राइट्स दे सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास नेस्टेड कोडिंग क्रिएट हो गई। अगेन हमने कहा कि आप क्रिएट करो नल वैल्यू के साथ, रिकॉर्ड क्या होगा, बाकी सारा का सारा रिकॉर्ड एज इट इज, ईएमपी एनओ कौन सा दे दिया नल, कह रहा 8002 मैंने क्रिएट किया, कैसे, बिगिन में आते ही उसने एक न्यू आईडी तो जनरेट कर ली, ये तो हमेशा करनी ही करनी है, आप नल वैल्यू दें, वैलिड दें, इनवैलिड दें, किसी भी तरह की वैल्यू पास करते हैं ये न्यू आईडी तो जनरेट कर ही देगा। जनरेट करने के बाद जब आया इंसर्ट करने के लिए तो मालूम चला वी अंडरस्कोर ईएमपी एनओ के अंदर तो यूजर ने नल दिया है और यूज किस में हुआ है, एनविल के साथ, एनविल ने रिप्लेस कर दिया न्यू आईडी के साथ और न्यू आईडी ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी थी, लिहाजा ये कोड क्रिएट हुआ इसी लाइन से, नल वैल्यू दी थी लेकिन नया नोट कोड कौन सा आ गया 8002 का, ठीक। अच्छा एक ट्राई और करें, अब कौन सा रह गया, वैलिड नंबर दें, वैलिड नंबर कौन सा होगा 8003 होगा, तो हमने कहा इसी के साथ आप 8003 रिकॉर्ड क्रिएट कर दो, तो आपका नंबर यूनिक था, नल भी नहीं था, वैलिड के साथ उसने इंफॉर्मेशन क्रिएट कर दी, तीनों सिनेरियो कवर हो रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, पैरामीटर को यूटिलाइज ही नहीं किया, तो वो कोशिश करेगा कि इस पैरामीटर पर अली को इंसर्ट करें। ये
ठीक है, रिप्लेस बाय नल। स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी 8005 से क्रिएट करेगा, यानी खुद जो ऑटो जनरेट करेगा, जबकि कुछ कह रहे हैं कि हमारा दिया हुआ न्यू नंबर 8500 उससे जनरेट करेगा। जी 8005 से करेगा उसका जो अपना ऑटो जनरेटेड होगा। क्या मेरा ये नंबर नल था? तो ऑटो जनरेट तो नहीं करेगा। क्या ये डुप्लीकेट हो रहा था? डुप्लीकेट भी नहीं था। इसका मतलब है वैलिड और यूनिक नंबर है, इस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस पर भी कर देगा। प्रॉब्लम ये क्योंकि अब हाईएस्ट नंबर आ गया 8500, अब जो भी मैक्स आईडी मैक्स का फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है वो 8500 ला रहा होगा, तो 8500 वन टू थ्री अब ये सीरीज जनरेट होगी। वो जो 800 वन टू थ्री आपके नंबर क्रिएट हुए थे वो सीक्वेंस तो ड्रॉप हो गई, बीच के जो नंबर थे वो फेल्ड डिस्ट्रॉय हो गए, वो नहीं मिल सकते। ठीक, अब आते हैं अपने वापस इसी कोड के ऊपर। हम ये चाहते हैं कि यूज़र नल वैल्यू दे तो नंबर ऑटो जनरेट हो, यूज़र डुप्लीकेट हो तो भी ऑटो जनरेट हो, लेकिन अगर यूज़र कोई ऐसा यूनिक नंबर दे जो हमारी सीक्वेंस में नहीं है तो उस पर भी ऑटो जनरेट करे। 8001 2 3 4 5 चल रहे थे, 4 तक आ गए थे, अब 5 आना था। चलें यूज़र की गलती कह लें, 8005 लिखना था, 8500 कर दिया, 500 कर दिया, लेकिन सीक्वेंस तो आउट हो गई। आप उसको वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दें कि आपका नंबर ये नहीं है बल्कि अब ये वाला होगा, ये सीक्वेंस में नहीं है। अभी तो आप उसकी वैल्यू के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो डिक्लेरेटिव ब्लॉक का पार्ट है, वजह ये
क्योंकि जो यूज़र ने वैल्यू यहाँ पैरामीटर में दी वो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस लेवल के ऊपर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते, ये तो पैरामीटर है। पैरामीटर से वैल्यू देंगे ये तो मेन गेट है, जब यहाँ से क्लियर होगा तो आगे आएगा, वो तो आगे आने के बाद फिर आप उसको डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। मेन गेट तो बाहर था, यहाँ आने के बाद आपने फ्लोर पे मूव किया, फ्लोर पे आने के बाद रूम में मूव किया, तो अंदर आने के बाद कंट्रोलिंग हो रही है, तो मेन गेट है, आप वहाँ पे थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं उसको, पहले इन तो होने थे। तो डेटा तो यूज़र इन करेगा ही हर हालत के अंदर, क्योंकि पैरामीटर है, कंडीशन तो यहाँ आके लगेगी। अच्छा, ये जो हमारा एक न्यू आईडी का पैरा प्रोसीजर था, ये तो एवरी टाइम एक न्यू आईडी जनरेट कर रहा था, और यकीनन इसकी आईडी सीक्वेंस वाली होगी, सीक्वेंस वाली 8004 था तो 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। अब हमने 8005 कर दिया तो 8501 की सीरीज बनाई इसने। तो हमने चेक ये किया कि जब आप इंसर्ट करने आओ तो इंसर्ट करने से पहले ये चेक करो कि v_emp_no, यहाँ पे हमने नल लगा रखा है, एनविल है टाइम फिर इसका, क्योंकि एनविल दोनों सिनेरियो को कंट्रोल कर रहा है, दोनों वैल्यू ले लें। हमने चेक किया कि अगर v_emp_no इज नल तो देन क्या करे, नल होने की सूरत में प्रोसीजर कॉल करे, लेकिन कॉल किस पे करना है, न्यू आईडी के साथ कॉल करना है। आपने नल वैल्यू दी तो अब हमें जो emp_no क्रिएट करना है वो न्यू आईडी के साथ क्रिएट करना है। न्यू आईडी ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, यूजर ने कोई वैलिड इंफॉर्मेशन दे दी तो फिर आपके ही नंबर से क्रिएट होगा डेटा। एंड इफ अगर आपने कोई वैलिड वैल्यू दे दी तो आप ही के नंबर से क्रिएट होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वैलिड तो है, क्या सीक्वेंस में भी है या नहीं है। तो हमने चेक किया कि एक और इफ लगाया, इफ v_emp_no इज इक्वल टू new_id, अगर आपका दिया हुआ नंबर हमारे ऑटो जनरेट नंबर के बराबर है, अगर ऐसा है फिर तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नंबर से रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए। एंड इफ लेकिन अगर आपने नंबर यूनिक तो दिया लेकिन सीक्वेंस में नहीं दिया तो फिर आपका नंबर नहीं चाहिए हमें, फिर न्यू आईडी से क्रिएट करना है, तो न्यू आईडी का रिकॉर्ड ये रखा हुआ। प्लस वन करके मैं करूँगा तो मैंने 8500 दिया था तो मैं तो 8500 यूनिक दे रहा हूँ, वो उसमें प्लस वन करके लिया आएगा, मैंने तो गैप दिया ही था, वो कह रहा अच्छा जी आपने गैप दिया, मैं एक गैप और दे रहा हूँ, तो ये यूनिक नंबर यही तो कर रहा है, ये जो हमारा प्रोसीजर इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही तो है। देखें जो लॉजिक मैंने यूज़ की है कि परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही, प्रोसीजर क्रिएट। पहले तो ये नल नंबर चेक कर लें कि आईडी ऑटो जनरेट कौन सी करके ला रहा है, 8502 तो अब 3 होना चाहिए। मैंने कहा कि 8500 10 से रिकॉर्ड क्रिएट करो, हालांकि होना चाहिए 3, मैंने दे दिया 10 कॉमा, कह रहा है कि रिकॉर्ड जो है वो 8003 का है। मज़ीद थोड़ा सा प्रोसीजर को अच्छा रहें तो वैल्यू मालूम चल जाएगी कि जब यहाँ पर आएगा ये m%d योर emp_id इज नॉट इन, आपको बता देगा कि आपकी आईडी सीक्वेंस में नहीं है और मैं आपका जो क्रिएट करूंगा वो इस नंबर से क्रिएट करूंगा 8003 आ गया, अब नया नंबर कौन सा होना चाहिए 4, मैंने दोबारा 10 ही दे दिया, 10 भी तो सीक्वेंस से आउट है,
योर ई एम पी आई डी इज नॉट इन सिक्वेंस 8504, ठीक है, सिक्वेंस भी कंट्रोल हो गए। अच्छा अगर चलें ये भी चेक कर लें, मैं अगर 8505 देता हूँ तो अब तो ये सही वैलिड नंबर है, 4 के बाद तो 5 ही आएगा ना, अब तो कोई इशू नहीं आ रहा, कह रहा ठीक है अब आपका नंबर सही। क्लियर? तो पहले हमने यूनिक को भी चेक कर लिया था, नल को भी चेक कर लिया था, लेकिन सीक्वेंस की प्रॉब्लम ये हो सकती थी, तो सीक्वेंस को अब यहां से हैंडल करेगा। ठीक, एक और बात भी देखिएगा, 8005 से क्रिएट हो गया अकाउंट, अब कौन सा होगा नंबर? 6 होगा। मैंने कहा आप इसी नंबर से अकाउंट क्रिएट करो, डुप्लीकेट हो रहा है, डुप्लीकेट पे हमने एक्सेप्शन लगाया था, लेकिन क्या ये एक्सेप्शन के ब्लॉक से क्रिएट हुआ है अकाउंट? अब एक्सेप्शन का कोई फायदा नहीं है, ये मैसेज आ रहा है, अगर ये मैसेज हटा दें फिर तो कोई पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से क्रिएट कर रहा है। लेकिन हमारी लॉजिक ये कहती है कि जब हमने नंबर चेक किया तो नंबर तो 6 आना चाहिए था, और 6 नहीं था, डुप्लीकेटेड नंबर थी, यकीनन न्यू आईडी ने कौन सा जनरेट किया होगा, 5006, और आपने दिया 5005, तो वो तो सिक्वेंस में नहीं, तो उसने डुप्लीकेट होने की सूरत में भी इसी लेवल पर लाकर आपको ऑटो जनरेट करके दे दिया, अब वो एक्सेप्शन पे गया ही नहीं, अब आपके इस कोड के अंदर एक्सेप्शन का कोई फायदा ही नहीं, इसको आप हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने डुप्लीकेट ही तो दिया था नंबर, 8505 डुप्लीकेट नंबर था, एक्सेप्शन ब्लॉक पे जाना चाहिए था इसको, लेकिन एक्सेप्शन पे क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस जो मौजूद थी वो 8505 की थी, तो आप होना चाहिए था 8506, जो न्यू आईडी थी वो 8506 की थी, ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, और आपने कहा जब दोनों इक्वल नहीं है तो हमारी जनरेट की हुई आईडी से रिकॉर्ड क्रिएट कर दे, इंसर्ट फेल ही नहीं हुई, फेल होती तो एक्सेप्शन पे जाता, अब फेल तो होगी ही नहीं किसी भी सूरत में, नल होगा तो उसको भी कंट्रोल कर लेगा, वैलिड होगा तो उसको भी कर लेगा, सीक्वेंस में नहीं है तो उसको भी कर लेगा, सीक्वेंस में ना होने का मतलब डुप्लीकेट भी है। अब आपका नया नंबर कौन सा हुआ, न्यू आईडी क्या लाएगा, 8507, और आप अगर 8505 ही देते हैं तो यकीनन ये इसके इक्वल नहीं होना, तो डुप्लीकेट चाहिए था क्योंकि टेबल में रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं है तो वो ऑटो जनरेट कर रहा है इसको, आपको एक्सेप्शन पे लेके नहीं जा रहा। अब आप इस कोड से अगर एक्सेप्शन को रिमूव भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं, ये आ गया हमारा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के अंदर हमने इस कोड को हटा दिया और साथ में एक कंट्रोलिंग और कर ली, When others, then क्या होना चाहिए, ampersand of d, SQL error message, SQL error code, again duplicated number, generate, उसने कोई error नहीं दिया आपको क्योंकि वो एक्सेप्शन पे आएगा ही नहीं, डुप्लीकेट ऑन इंडेक्स का एक्सेप्शन रेज ही नहीं होगा, आप उसको वहीं तो हैंडल कर रहे हो ऊपर, ठीक है जी। तो एक फील्ड के लिए, एक प्रोग्राम के लिए मल्टीपल सिनेरियोस, मल्टीपल लॉजिक्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है आपकी लॉजिक के ऊपर कि आप उसको किस वे में किस तरह से जनरेट कर रहे हैं, अगर अदर कॉलम्स के साथ लगा सकते करेंगे उसको भी आगे सब तरफ से करेंगे। हमारे पास कोड है प्रोसीजर एग्जीक्यूट न्यू अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर रिकॉर्ड, मैंने कहा कि जी मेरे पास एक पैरामीटर है वी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू ग्रेटर देन, वैल्यू क्या होगी इसकी 30 होगी, एक पैरामीटर है मेरे पास वी अंडरस्कोर इनेम, वैल्यू क्या होगी इसकी, मैंने कहा कि वैल्यू इसकी होगी ये नेम,
एक पैरामीटर है मेरे पास वी अंडर स्कोर ई एम पी एन ओ, वैल्यू क्या होगी इसकी? मैंने कहा वैल्यू आप ले लो 9000 कॉमा, और क्या क्या है? अभी देता हूँ, और क्या क्या है? सैलरी रहेगी, वी अंडर स्कोर सेल इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सैलरी होगी 1000, जॉब भी तो है, जॉब भी है ना, वी अंडर स्कोर जॉब ग्रेटर देन इक्वल टू सेल्समैन, बस ये स्टेटमेंट आप शुरू से करते जा रहे हैं एसक्यूएल के अंदर से, कि अगर आप इंसर्ट इनटू ईएमपी लिखते हैं और आपने इंसर्ट इनटू ईएमपी के बाद डायरेक्ट वैल्यूज लिख दी, तो आप वैल्यू कॉलम की सीक्वेंस वही रखेंगे जो ईएमपी टेबल में एग्जिस्ट कर रही है, और अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है, आप अपनी सीक्वेंस देना चाहते हैं, तो आपको इंसर्ट इनटू ईएमपी ब्रैकेट करके अपनी फील्ड के नेम बताने पड़ेंगे। अगर आपको सीक्वेंस याद है तो फिर तो आप डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड कर दें। पहले हमारा ई एम पी एन ओ था, फिर ई नेम था, जॉब था, सैलरी थी और डिपार्टमेंट था। अब मुझे याद नहीं है, ये तो मालूम है कि कौन कौन से पैरामीटर हैं, सीक्वेंस याद नहीं है। तो पहले मैंने लिखा वी अंडर स्कोर डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इसकी वैल्यू कौन सी होगी 30। पैरामीटर की पोजीशन चेंज कर दी, अगर पैरामीटर की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो इसका बिहेव ये है। वो जो एरर आया था ना, आप कह रहे थे कॉमा लगा के हम आगे बढ़ जाएं, या अगर हम डायरेक्ट अली से ही स्टार्ट करते हैं, यूजर नेम दे देते हैं, तो वो यूजर नेम को तो ई एम पी एन ओ क्या कंसिडर, पैरामीटर कंसिडर करेगा। लिहाजा मैंने बताया कि ये पोजीशन नंबर फर्स्ट तो है, तो फर्स्ट तो हमारी पोजीशन ई एम पी एन ओ की थी, लेकिन मैंने इस साइन से बता दिया कि ये इस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए है, मैंने इसकी सिक्वेंस आउट कर दी है। पहले दिया वी अंडर स्कोर डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 30, लास्ट वाला पैरामीटर फर्स्ट पे ले आया, वी अंडर स्कोर ई नेम सेकेंड को सेकेंड पे रखा, वी अंडर स्कोर ई एम पी एन ओ फर्स्ट को थर्ड पे ले आया, पूरा ऑर्डर चेंज कर दिया। तो अगर आप पैरामीटर की सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के पहले हमारे पास ये मेथड होगा कि आप ग्रेटर देन इक्वल के थ्रू पैरामीटर की सीक्वेंस को आउट कर सकते हैं, सही। और अगर सीक्वेंस यही रखनी है तो फिर आप डायरेक्टली वैल्यू लिख, बस फर्क ये होगा कि इतनी सी वैल्यू में आ गया, ये आपके पास पूरी रॉ क्रिएट होगी, ठीक। बात क्लियर हो रही? इन पैरामीटर के लिए, आउट पैरामीटर के लिए आपको फिर वैल्यू रिटर्न लेनी पड़ेगी, उसकी सीक्वेंस वही होगी जो आपके पास अवेलेबल है। चलिए, वैल्यू थी हमारे पास, एक हमने लास्ट टाइम प्रोसीजर बनाया था, इसके अलावा टेबल नंबर का टेबल शो किया था हमने प्रोसीजर से, इन आउट मेथड से शायद किया था, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट टाइप इज इक्वल टू प्रोसीजर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स मौजूद है। शो किससे किया था? इन आउट पैरामीटर है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक बनाया इनोमिस ब्लॉग, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, टेबल अंडरस्कोर नंबर
डेटा टाइप कैसी होगी, नंबर कॉलन इज इक्वल टू एम परसेंट ऑफ टेबल अंडर स्कोर नंबर। टेबल नंबर हमने यूजर से गेट कर लिया। एक वेरिएबल लिया हमने रिजल्ट का, और रिजल्ट की टाइप हमने रखी वर्चर टू, वैल्यू ले ली इसकी 2000। बिगिन में आ गए, बिगिन में आने के बाद हमने कॉल किया टैब अंडर स्कोर नंबर, ये हमारे प्रोसीजर का नेम है। पहला पैरामीटर क्या है इसका, टेबल इन नंबर, नंबर आप प्रोवाइड करेंगे, तो नंबर हमने कहा कि कौन सा होगा, हमारे वेरिएबल टेबल अंडर स्कोर नंबर में रखा हुआ है। और रिजल्ट किस में देगा, आर ई एस आउट वर्चर के अंदर, तो इसके लिए हमने वेरिएबल क्रिएट किया रिजल्ट का। सारा रिजल्ट जो है हमारे वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर होगा टेबल क्रिएट होकर, तो एम परसेंट ऑफ दी रिजल्ट को शो कर दो और यहाँ पर एंड। कह रहा टेबल नंबर दे, मैंने टेबल दिया 5, 5 का टेबल शो हो गया, ठीक है, ये हमारा इनोमिस ब्लॉक प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। अगर इसको हम एग्जीक्यूट करना चाहें, हमने प्रीवियस प्रोसीजर एड अंडरस्कोर ईएमपी को एग्जीक्यूट किया था, इसको भी अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं फिल वक्त तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए दो वेरिएबल्स चाहिए, एक टेबल नंबर इंसर्ट करने के लिए, दूसरा ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर टेबल कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाए फिर आप उसको शो कर दें। तो इसके लिए फिर हमें पीएल पर लाजमी आना पड़ेगा अब तक के लिए। अगर एसक्यूएल पे ये काम करना हो तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे बाइंड वेरिएबल। बाइंड वेरिएबल जिसको हम समटाइम्स सेशनल वेरिएबल भी कहते हैं, पब्लिक टाइप का वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल है जब तक आपका सेशन एक्टिव है तब तक वो आपके मेमोरी के अंदर एक्टिव रहेगा, और आप इसको जब जहां जिस प्रोसीजर जिस फंक्शन में जिस इनोमिस ब्लॉक में चाहें कॉल कर सकते हैं। सही, बाइंड वेरिएबल। हमने कहा वेरिएबल, वेरिएबल क्रिएट करने का क्या तरीका होगा, वीएआर वेरिएबल, वेरिएबल के लिए हमने ले लिया एक वेरिएबल, कौन सा लिया था, रिजल्ट ही ले लिया। वेरिएबल नेम क्या होगा, रिजल्ट। डेटा टाइप कैसी होगी इसकी, वर्चर टू, लेंथ कितनी होगी इसकी 2000, और ये हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। प्रॉम्प्ट जैसे ही विदाउट एरर आ गया इसका मतलब ये है कि वेरिएबल बफर में क्रिएट हो चुका है। हमने कहा एग्जीक्यूट करो इसको टेबल अंडरस्कोर नंबर को, कौन सा टेबल क्रिएट करना है, टेबल नंबर 10। रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट स्टोर होगा हमारे वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। जब आप उस वेरिएबल को यूटिलाइज करेंगे तो कॉलन के साथ यूज किया जाएगा, कॉलन का मतलब ही बाइंड वेरिएबल। एग्जीक्यूट, कह रहा ओके जी, प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, नो एरर, प्रिंट रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट बफर में स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं, पहले मैंने एग्जीक्यूट किया था, उसने मैसेज दिया प्रोसीजर कंप्लीटेड, और जब मैंने प्रिंट रिजल्ट कहा तो उसने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। लेकिन जब आप सेट ऑटो ऑन कर देंगे अब आपको प्रिंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेशनल वेरिएबल है वो। इससे मैं लूँगा तो ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके शो करेगा, इसमें तो शो करना ही चाहिए इसको। चेक तो हम ये कर रहे हैं कि ये स्टोर इन्फॉर्मेशन को शो करेगा नहीं करेगा, यही कह रहे हैं ना। क्योंकि अगर आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो वो तो फ्रेश एग्जीक्यूट करके ही उसको शो कर रहा है, तो प्रिंट का मतलब तो ये कि ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, स्टोर है या नहीं है क्लियर कर चुका, अवेलेबल।
अच्छा आप अगर सिर्फ प्रिंट भी देंगे ना तो उससे भी काम चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है प्रिंट रिजल्ट दें। वजह उसकी ये कि हमारे पास अभी इस वक्त तो एक ही वेरिएबल है, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया और मैंने कहा कि माई टेबल का वेरिएबल होगा ये, डेटा टाइप कैसी होगी, वर्ड चार टू लेंथ इसकी भी 2000 होगी, एग्जीक्यूट टैब अंडरस्कोर नंबर 100 का टेबल क्रिएट करे और कहाँ पे स्टोर करे, माई अंडरस्कोर टेबल के वेरिएबल में स्टोर करे, शो हो गया। अब अगर आप सिर्फ दे रहे हैं प्रिंट, तो प्रिंट का मतलब ये है कि बफर में जितने भी बाइंड वेरिएबल मौजूद हैं उन सबको शो कर दो, तो एक तो उसमें रिजल्ट भी स्टोर हुआ हुआ था और एक माई टेबल भी था, उसने दोनों को शो कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ माई टेबल शो हो तो प्रिंट माई टेबल, स्पेसिफिक नेम देने का मकसद ये था, रिजल्ट चाहते हैं तो रिजल्ट, और अगर बोथ चाहते हैं तो जस्ट प्रिंट आप लिखेंगे, वो प्रिंट से आपके तमाम तर वेरिएबल्स की वैल्यू शो कर देगा। ये सेशन के हद तक रहेगा, आप सेशन जैसे एग्जिट करेंगे खत्म हो जाएगा, सेशन के हद तक भी बहुत वैलिड है, बाइंड वेरिएबल। आप अदर प्रोसीजर्स के अंदर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सिनेरियो आपको दूं उसका, मैं यहाँ पे काउंटर पे खड़ा हूँ, सेल्स काउंटर है मेरा, आप आए आपने मुझे पेमेंट सबमिट करा दी कि जी मेरा पहले 10,000 का बिल था उसमें से आप ये 5,000 मुझसे ले लो, मैंने आपसे 5,000 लिए, 5,000 लेते रिसीविंग आपको दे दी कि मैंने हाँ वसूल कर लिए, एक स्टेप। दूसरा स्टेप, ये 5,000 आज के कैश बैलेंस में प्लस होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप, आपका जो क्रेडिट बैलेंस था उसमें से रिड्यूस होगा, ठीक। और अगरचे आप पर रिस्ट्रिक्शन लगी है, लिमिट आपकी 10,000 ही की थी, तो 10,000 का मतलब ये है कि बैलेंस आपका हो चुका था, अब आपको क्रेडिट नहीं देना था, लेकिन आपने अगर टोटल 10,000 भी पे कर दिए तो इन तमाम तर स्टेप्स के साथ वो जो लिमिट का टेबल है वहाँ पर उसको वापस इनेबल भी करना है कि जी कलेक्शन हो गई, अब ये दोबारा इनेबल हो चुका लोन के लिए, क्रेडिट के लिए। ये तमाम तर वैलिडेशन है और होंगी किसके ऊपर, सिर्फ इस वक्त की कैश कलेक्शन के ऊपर। एक वेरिएबल है जिसमें आप अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, वो कितनी जगह अफेक्ट दे रहा है मल्टीपल प्रोसीजर्स में, तो ऐसी ग्लोबल वेरिएबल के लिए फिर आपको इस तरह का सेशन, ऐसा बाइंड वेरिएबल चाहिए होगा जो सब जगह जाकर एक्टिव रहे। दूसरी बात, मैं यहाँ काउंटर पे खड़ा हूँ, मैंने बिल इनवॉइस बना के दी आपको, तो मेरा ही नाम आएगा ना इनवॉइस के ऊपर। अच्छा ये तो मैंने बिल बना के दिया आपको, रिसीविंग हो गई, बिल की रिसीविंग हो गई, इसमें मेरा नेम आ गया, चले मैंने टाइप कर दिया। अब आपने कहा कि ये तो हो गया, आप मुझे और सामान भी चाहिए, मैंने वो सामान दिया उसका बिल बना के दिया, अब वो जो बिल इनवॉइस एक और बनी थी उस पर भी तो मेरा नाम आएगा। वो रिसीविंग का साइड एक अलग था, वो एक प्रोसीजर अलग था, ये सेल्स का एक अलग है, इस तरह की और भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। अब ये जो मल्टीपल प्रोसीजर्स आ रहे हैं तो इनमें मेरा नाम के अलग अलग मैं बार बार टाइप करता रहूँगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जैसे आप लॉगिन होंगे आपका नेम लेके हम एक ग्लोबल वेरिएबल में, एक बाइंड वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और फिर जहां जहां आपको जिन प्रोसीजर्स में चाहिए हो उनमें वहां आप जस्ट प्रिंट करवा देंगे। एक ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल टाइम कॉलिंग हो रही है, बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, बहुत बड़ा फायदा है। एक प्रोसीजर से वैल्यू अगर अदर्स प्रोसीजर्स में पास करनी हो तो उसके लिए फिर हमारे लिए बाइंड वेरिएबल बहुत ज़्यादा वैलिड है, यूज़ टू बहुत ज़्यादा, अगर इसको यूज़ नहीं करते तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है, सेशन में एक्टिव रहता है, मेरा नाम भी उस वक्त तक वैलिड होगा जब तक मैं यूज़र में लॉगिन हूँ, जैसे मैंने एग्जिट किया तो नेम की ज़रूरत भी नहीं, बात ख़त्म हो गई। जैसे आप लॉगिन हुए तो आपका यूज़र नेम आपने दिया, यूज़र नेम इज़ दिस, पासवर्ड इज़ दिस, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, यूज़र नेम गेट करें और एक बाइंड वेरिएबल में स्टोर कर दें। अब जहाँ जहाँ जो जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो टास्क के अंदर आपका नेम इनेबल होता जाएगा, प्लस जो बैकअप बन रहा है वो बैकअप में आपको बताएगा कि ये यूज़र इस टाइम से लेकर इस टाइम तक सेशन में एक्टिव रहा था। कहीं और भी असाइन भी करवा सकते हैं, कहीं और से वैल्यू गेट भी कर सकते हैं, कहीं और वैल्यू असाइन भी करवा सकते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया, हमारे पास वेरिएबल था ए,
डेटा टाइप कैसी होगी इसकी वर्ड चार टू, क्योंकि हमारे बाइंड वेरिएबल की लेंथ भी यही टाइप भी यही थी। बिगिन बिगिन में आने के बाद हमने कहा ए कॉलन इक्वल टू कॉलन रिजल्ट, रिजल्ट में जो भी स्टोर हो वो असाइन किसको कर दो, ए को, और एम परसेंट ऑफ डी और डी के साथ ए को डिस्प्ले भी कर दो, कॉलन जरूरी। रिजल्ट में नहीं रखे, रिजल्ट एक बाइंड वेरिएबल है और एक माई टेबल बाइंड। हो गया शो, इसने क्या किया यहाँ पे कॉल हो रहा है ना, कॉलिंग के लिए यूज हो रहा है, एक वेरिएबल क्रिएट किया, बाइंड वेरिएबल कॉल किया, कॉल करते ही उसे स्टोर कहाँ पे कर दिया, ए में। अच्छा जिस वक्त कॉलिंग हो रही थी उस वक्त भी रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, तो एक काम और करके देख लें शायद इससे रिजल्ट मिल जाए, सेट ठीक है, क्योंकि वो ऑटो प्रिंट था ना, तो जब जब आप कॉल करेंगे उसको तब तब वो उसको डिस्प्ले भी करेगा, तो जब यहाँ पर कॉलिंग हुई तो उसने एक डिस्प्ले तो यहीं पर दे दिया, और फिर उसने जब डिस्प्ले देने के बाद असाइन किया ए को, तो फिर आपने ए को भी डिस्प्ले करवा लिया, तो ऑटो प्रिंट से क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ कॉलिंग उसने डिस्प्ले नहीं किया उसको, बस एक ही बार रिजल्ट आ गया ठीक। तो आप अपने बाइंड वेरिएबल की वैल्यू कहीं और मूव कर सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि नेम पास होगा, कैश कलेक्ट होगा तो मल्टीपल जगह पर प्लेस होगा, तो प्लेस होने के लिए यही तमाम तर चीज़ें तो हैं। आपके पास कोई टेबल है, आप चाहते हैं कि जो बाइंड वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है ये जाकर टेबल में भी इंसर्ट हो, तो पहले चीज़ तो ये है कि टेबल के अंदर इतनी स्पेस चाहिए आपको जिसके अंदर ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती हो ठीक, और जहाँ पर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट इन टू टेबल नंबर, टेबल नेम, वैल्यूज के अंदर बाइंड वेरिएबल, जैसा कि आपने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, यही बिहेव यूज जाएगा। जस्ट वेरिएबल है, कोई एडिशनल या एडिशनल फंक्शनलिटी नहीं है, सेम चीज़ है, बस ये कि बाइंड है, सेशनल कॉन्सेप्ट है, इसकी एक्सेसिंग मल्टीपल टाइम है। आपने हमने कॉन्सेप्ट किया था पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल्स का नेस्टेड ब्लॉक के अंदर, इनर आउटर, सेम बिहेव है। वो जो इसको आप प्राइवेट पब्लिक वेरिएबल कह रहे थे वो पब्लिक वेरिएबल अपने ब्लॉक का पब्लिक वेरिएबल था, सिर्फ इस प्रोसीजर का लाइन नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है और सेवन तक पब्लिक था, ये तो पूरे सेशन के लिए, इसकी एक्सेसिंग उससे भी ज़्यादा है। अब यहाँ अगर आपको एक प्रोसीजर बनाते हैं, एक आपने ब्लॉक क्रिएट किया आउटर और एक क्रिएट किया इनर, इनर अपने ही प्रोसीजर के इनर ब्लॉक में एक्सेसिबल है, इसका आउटर अपने प्रोसीजर में कहीं भी एक्सेसिबल है लेकिन रहेगा अपने प्रोसीजर तक, लेकिन इस प्रोसीजर की वैल्यू अगर कहीं और पास करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको चाहिए होगा बाइंड वेरिएबल जिसकी टाइप पब्लिकली है, ग्लोबल है, आपके सेशन में कहीं पर भी कॉल हो सकता है, कहीं पर भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक। अब क्लियर हो रही, एक तरीका तो ये हो गया, ये आ गया हमारे पास कहाँ चला गया, आई नहीं रहा, ये था भाई हमारे पास टेबल नंबर, टेबल का कोड जिसमें हमने एक टेबल नंबर इन भी किया था और एक आउट भी किया था, हमने मॉड तीन टाइप के डिस्कस किए थे, इन मॉड, आउट मॉड, इन आउट मॉड ठीक है। पोजीशन कुछ इस तरह से है आपके पास के कुछ प्लाजा ऐसे भी हैं जिनमें एंट्री गेट अलग है और एग्जिट अलग है, पेट्रोल पंप की एग्जांपल ले लें, इन एक साइड पर है जिस साइड से रोड की डायरेक्शन है, इन एक साइड पर है और एग्जिट दूसरा साइड है ठीक। अच्छा सम प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन है, आउट का कॉन्सेप्ट कुछ और है, हमारे पास इन का कौन सा था, डेटा कहाँ से इन होगा, इस पैरामीटर से इन होगा, आउट का डोर कौन सा है, रिजल्ट,
रिजल्ट आउट इस डोर से होगा। लेकिन हमारी जो बिल्डिंग है यहाँ तो एक ही तो डोर है, उसी से इन होते हैं इसी से आउट होते हैं, ये भी तो ऐसी कॉन्सेप्ट है, इन आउट है, सेम डोर से इन होते हैं सेम से आउट एग्जिट, सेम बिहेव यहाँ पर भी, एक ही वेरिएबल यूज़ होगा, उसी से हम टेबल नंबर भी गेट करेंगे और उसी के अंदर वैल्यू रिटर्न भी करेंगे इन आउट मोड। अगर आप इसको डिस्क्राइब करें, टेबल नंबर है हमारे पास, हमने कहा डिस्क्राइब टैब अंडरस्कोर नंबर, तो कह रहा है आपके दो पैरामीटर हैं, एक की टाइप इन है एक की टाइप आउट है, चेंज करते हैं इसको इन आउट के अंदर, इसी प्रोसीजर को चेंज करते हैं। स्टेरिक का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल का साइन है, स्पेशल करेक्टर है, अल्फाबेट्स हैं, स्टोर नहीं हो सकते। लेकिन वर्चर के अंदर ऑल टू ऑल पॉसिबिलिटी है, हर नंबर स्टोर हो सकता है और इम्प्लिसिटली कन्वर्जन भी हो जाती है, ठीक है। और अगर समटाइम इम्प्लिसिट कन्वर्जन ना भी हो तो आपके पास टू चार और टू नंबर का भी कॉन्सेप्ट है, हम कन्वर्ट कर लेते हैं बाई फोर्स, बहरहाल अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा कि हमारे पास एक ही पैरामीटर होगा और ये इन भी है और आउट भी है, एक ही डोर है, इसी से इन भी होगा यूजर, इसी से आउट भी होगा, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट आ गया, काउंटर आ गया, सब कुछ वही है। हमने यहां क्या कहा था कि जब आप रिजल्ट रिजल्ट के अंदर स्टोर करो तो इसे असाइन कर दो कहां पर, रिजल्ट में। अब रिजल्ट तो खत्म हो गया, अब हमने कहा असाइन कर दो इसको आप टेबल अंडरस्कोर नंबर के वेरिएबल, टेबल अंडरस्कोर नंबर, आपने टेबल नंबर दिया, मैंने दिया फाइव, उसने क्या किया फाइव को लेकर एक टेबल जनरेट कर दिया, और जब पूरा टेबल जनरेट हो गया और होके स्टोर हो गया रिजल्ट के अंदर, तो रिजल्ट की ऑल टू ऑल वैल्यू असाइन कर दो इसी टेबल नंबर के वेरिएबल, वापस इसी को दे दो, और वो उसी को लेके वापस गया। कन्वर्जन यही आपसे कह रहा था कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगी, और अगर नहीं होती तो फिर आपको टू चार और टू नंबर का सिनेरियो यूज करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट, डिक्लेयर एक वेरिएबल लिया हमने टेबल अंडरस्कोर नंबर, डेटा टाइप कैसे ली नंबर, डेटा टाइप नंबर, एक ही वेरिएबल है ना हमारे पास, तो हमने कहा कि ये वेरिएबल होगा वर्चर टू, लेंथ कितनी होगी इसकी 2000 होगी, कॉलन इक्वल टू, यूजर से हमने कहा कि आप टेबल नंबर भी इंसर्ट कर दें, सिंगल कोट क्लोज, यूजर ने टेबल नंबर दे दिया, हम आ गए बिगिन के अंदर, हमारा टेबल क्या था टैब अंडरस्कोर नंबर, हमने कहा कि आप क्या करो टी अंडरस्कोर नंबर को लेकर एक टेबल क्रिएट करो, और जो भी टेबल का रिजल्ट जनरेट हो वो वापस इसी के अंदर स्टोर भी कर दो, ठीक है। जो भी नंबर वापस रीस्टोर होगा टी अंडरस्कोर नंबर में, उसे हमने कहा कि एम परसेंट ऑफ डी टी अंडरस्कोर नंबर को शो कर दो यहाँ पे, एंड सही।
लिया टेबल नंबर 6 स्टोर किस में हुआ, टीन अंडरस्कोर नंबर में, एज अ इन मॉड यूज हुआ 6 टी अंडरस्कोर नंबर इन मॉड के अंदर यूज हुआ सिर्फ यहां तक, और इसने टेबल नंबर को लेके टेबल कैलकुलेट किया और टेबल को स्टोर करता चला गया रिजल्ट में। जब कम्प्लीटली स्टोर हो गया तो असाइन किसको कर दिया, वेरिएबल टेबल को, और ये टेबल लेकर अब आउट मॉड से आउट हो गया। तो हमने कहा जो टेबल जनरेट करके लाओ वो हमारे इसी वेरिएबल के अंदर वापस रीस्टोर भी कर दो, ठीक है, और जब वैल्यू स्टोर हो गई तो जो वैल्यू लेकर आए हो उसको आप डिस्प्ले कर दो, ठीक है जी। आप सामान एक्सचेंज कर रहे हैं, आपने एक नया रेफ्रिजरेटर मंगाया जिस गाड़ी में आया था, जब गाड़ी उसने खाली किया नया जनरेटर आपके घर पे रख दिया, तो आपने कहा ये ओल्ड जो है इसको हाथ के हाथ वापस भी ले जाओ, तो एक ही ट्रांसपोर्ट थी वो, उसी में इन भी हुआ उसी में आउट भी हुआ। ये होता ना, ट्रेन आके लगता है हमारे पोर्ट के ऊपर, सारे पैसेंजर अराइवल हुई उसी के अंदर दोबारा फिर रिफ्रेश होकर दोबारा डिपार्चर हो गया, एक ही इन के लिए भी वही आउट के लिए भी। एग्जीक्यूट से करने के लिए आपको वेरिएबल ये टू टाइम यूज हो रहा है, इस फॉर्म में यूज नहीं होगा, ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट नहीं होगा, हो जाएगा इस फॉर्म में नहीं होगा, आगे चल के करेंगे, सेम मेथड से नहीं होगा। जिस तरह हम वहाँ कह रहे थे कि सीक्वेंस आउट नहीं कर सकते, तो सीक्वेंस आउट हो सकती थी, मेथड अलग था, यहाँ पे भी ऐसा होगा लेकिन इस फॉर्म में नहीं होगा, मेथड चेंज हो सकता। तो एक ही मेथड था, एक ही प्रोसीजर था हमारे पास, इसी को हमने यूज़ किया इनके पर्पस के लिए भी और इसी को यूज़ किया आउट के लिए भी। अच्छा आप इसको ज़रा डिस्क्राइब करें, टैब अंडरस्कोर नंबर आप क्या पोजीशन है, आप कह रहा है कि बस एक ही पैरामीटर है इन ऑब्लिक आउट के साथ, पहले क्या कह रहा था, पहले दो पैरामीटर शो किए थे इस फॉर्म के अंदर, और इन सेपरेट था आउट सेपरेट था, अब कह रहा है कि बस एक ही है और उसी को आपने इन में भी यूज किया उसी को आउट में भी यूज किया, ठीक है। तो ये आपके पास अब प्रोसीजर, प्रोसीजर विद पैरामीटराइज्ड, पैरामीटराइज्ड में थ्री मोड्स, इन मोड आउट और इन आउट का कम्बिनेशन, ये हमारे पास होल कॉन्सेप्ट है प्रोसीजर्स का, कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपने ये देखा कि प्रोसीजर को हम एग्जीक्यूट किस तरह करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो बाइंड वेरिएबल की तरह किस तरह करेंगे, ठीक है, किसी इनॉमिस ब्लॉक में कैसे कॉल करेंगे, और प्रोसीजर टू प्रोसीजर किस तरह कॉल करेंगे, एडवांस लेवल तक उसको हमने एक्सेस कर लिया। तो ये हमारा होल फंक्शनलिटी थी प्रोसीजर्स के साथ। इसकी बात कर रहे हैं ये तो यहाँ से प्रोसीजर कॉल हुआ, प्रोसीजर कॉल होकर कॉल होते ही यही रिपीट होगा इन मोड के तौर पे, और कॉल होते ही जब इन में कॉल हुआ तो इन को लेकर इसने क्या किया, टेबल जनरेट किया अपने यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर किया, तो बैकअप पे तो ये एक्टिवेट हो चुका है, रिजल्ट में सेव हुआ है, तो रिजल्ट में सेव होने के बाद रिजल्ट ने असाइन कर दिया टेबल को और टेबल लेके चला गया आउट मोड में, सही। एक ट्राई और करें छोटी सी, आपके कहने पर चीज़ याद है, याद के आ गए कि थोड़ी सी टेक्निक ऐसी हो सकती है। इसको यहाँ से हटा दें, रिजल्ट वेरिएबल था ना, ठीक है, क्या किया, लोकल वेरिएबल हटा दिया, उसे कन्वर्ट कर दिया बाइंड के अंदर, हमारा बाइंड वेरिएबल भी तो रिजल्ट था। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये आउट मोड के अंदर आउट टेबल यहाँ से वैल्यू तो आउट कर रहा है लेकिन करते करते वो रिजल्ट बाइंड में भी मूव करेगा, एक कैलकुलेशन दो डायरेक्शन से आउट होगी, आउट कराने का फायदा नहीं, वैल्यू पास करनी थी। क्या कह रहे हैं, बैड बाइंड वेरिएबल रिजल्ट, वेरिएबल नेम क्या था, कुछ और था वहां पे, रिजल्ट
सेट बाइंड वेरिएबल लाइन नंबर 7 को स्टोर करो आप रिजल्ट में, चलें ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे तो मानेगा। और कॉलन रिजल्ट कॉलन इक्वल टू आरएस, पहले आरएस के अंदर कैलकुलेट कर लें इसको, और आरएस की जो वैल्यू है वो स्टोर कर दें। सही, बैड बाइंड वेरिएबल रिजल्ट प्रोसीजर में एक्टिव नहीं कर रहा उसको। प्रोसीजर के अंदर बाइंड वेरिएबल कॉल नहीं हो रहा, फिर इसके लिए काम और ही करना पड़ेगा कि आप यहाँ से इसको एज इट इज कॉल नहीं करोगे, बल्कि एक पैरामीटर आपको और आउट मोड का लेना पड़ेगा, अलग लेना पड़ेगा, और फिर आप जब कॉलिंग करेंगे ना एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वहाँ उसको साइन करवाएंगे, फिर ये होगा। इस मेथड से यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ आपको एक और आउट मोड का वेरिएबल लेना ही होगा, और फिर आप जब कॉलिंग करेंगे ना एग्जीक्यूट करते वक्त तो वहाँ साइन करवाएंगे बाइंड पैरामीटर, यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ उसकी वैलिडेशन को परफॉर्म वो करने नहीं दे रहा। बैड बाइंड वेरिएबल, बाइंड वेरिएबल सही है हमारा, सब कुछ सही है, बस प्रॉब्लम ये है कि आपके किसी इनर ब्लॉक के अंदर ये बाइंड वेरिएबल वैलिड नहीं है, तो इसके लिए फिर एक काम यही होगा कि आप एक और वेरिएबल लें आउट मोड का, और जब एग्जीक्यूट करें तो आउट के अंदर बाइंड वेरिएबल को कॉल कर लें, जैसे कि हमने पहले भी कॉल करवाया था, वही सिनेरियो यूज करना पड़ेगा, फिर ये होगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी स्टोर इंफॉर्मेशन के अंदर प्रोसीजर के अंदर किसी बाइंड वेरिएबल को कॉल नहीं करेंगे, वैल्यू असाइन कर देंगे, क्योंकि वैल्यू यहाँ से जनरेट होगी, जनरेट होकर किसको पास होगी, आउट वेरिएबल को, आउट पैरामीटर को, और आउट पैरामीटर के थ्रू आप बाइंड वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा सकेंगे, जैसा कि हमने पहले अभी बाइंड वेरिएबल जब इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त हमने यूज़ किया था ये वाला कॉन्सेप्ट, इस तरह से करेंगे। सही, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल गया, एरर जनरेट हो गया ना उसमें, अगर पास हो जाता तो इसका मतलब ये वैलिड था, लेकिन कॉलिंग का मतलब ये है कि आप सिर्फ एज अ पैरामीटर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कोड के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है जी, ब्रेक ले लिया जाए, शदीद ज़रूरत है।